नमस्कार दोस्तों, हमारा बिहार में आपका स्वागत है। आज 30 नवंबर 2019 है और 30 नवंबर 2019 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जो बिहार से जुड़े हुए हैं उसका हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, इस वीडियो का PDF भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, और PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम एप्लीकेशन में सर्च कीजिए हमारा बिहार HB और चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर आपको सारे दिन का PDF मिल जाएगा और सारे वीडियो का आप लिंक भी प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट में मैंने रिवीजन का 2 क्वेश्चन रखा है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नीतीश कुमार जी के द्वारा कहाँ पर पश्चिमी कोसी नहर योजना के अंतिम चरण के 7 निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया गया है? तो दोस्तों, ये किया गया है मधुबनी जिला में। सी ऑप्शन इसका सही हो गया। और यह योजना जो है 1971 में शुरू किया गया था और इस योजना को पूरा होने के बाद मधुबनी एवं दरभंगा जिले में अब तक उपलब्ध सिंचाई सुविधा जो कि 2,01,025 हेक्टेयर है, इसको बढ़ाकर 2,34,800 हेक्टेयर कर दिया जाएगा और यह राज्य सरकार का जो लक्ष्य था यह पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों, ये पश्चिमी कोसी नहर योजना के 7 अंतिम चरण के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया है मधुबनी जिला में। तो चलिए ठीक, देखते हैं फिर मधुबनी जिला बिहार के मैप में कहाँ पर है। तो ये आ गया बिहार का मैप, ये रहा आपका मधुबनी जिला। मधुबनी जिला का सीमा और किस किस राज्य से, किस किस जिला से सटा हुआ है? तो देखिए, सीतामढ़ी है, दरभंगा है, सहरसा है और सुपौल है। अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा का बात किया जाए तो मधुबनी जिला का सीमा नेपाल से भी सटा हुआ है, क्योंकि ये सब क्षेत्र जो है ये नेपाल का क्षेत्र है। नाम है मधुबनी का, तो चलिए इसके बारे में भी कुछ जानते हैं। मधुबनी जिला जो है ये दरभंगा प्रमंडल में आता है। मुख्यालय इसका मधुबनी हो गया। क्षेत्रफल है 3,501 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या है 44,87,379 व्यक्ति। जनसंख्या घनत्व है 1,282 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और साक्षरता दर है 58.62%। लिंगानुपात है 926 महिला प्रति 1,000 पुरुष। और मधुबनी जिला से जो प्रमुख NH गुजरता है वो NH 104, NH 105 और NH 57 है। और NH 57 को पूर्व पश्चिम गलियारा कहा जाता है। और यहाँ का प्रमुख नदी कमला भूतही बलान है। मधुबनी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है मधुबनी। मधुबनी में 108 मेला का आयोजन किया जाता है जो कि सामूहिक विवाह का एक मेला है। और मछली उत्पादन में मधुबनी जिला प्रथम स्थान पर आता है बिहार में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहां पर NTPC के द्वारा 250 मेगावाट क्षमता वाली यूनिट चालू की गई है? तो दोस्तों, ये बरौनी में किया गया है। सी ऑप्शन इसका सही हो गया। और बरौनी जो है ये बेगूसराय जिला में है। अब नाम आया है बेगूसराय जिला का, तो चलिए फिर देखते हैं बिहार के मैप में बेगूसराय कहाँ पर है। तो ये आ गया बिहार का मैप, ये रहा आपका बेगूसराय जिला। बेगूसराय जिला का सीमा और किस किस जिला से सटा हुआ है? तो देखिए, पटना है, समस्तीपुर है, खगड़िया है, मुंगेर है और लखीसराय है। ठीक है, अब नाम आया बेगूसराय का, तो चलिए इसके बारे में भी कुछ हम लोग जानते हैं। बेगूसराय जो है ये मुंगेर प्रमंडल में आता है। मुख्यालय इसका बेगूसराय हो गया। उसका गठन हुआ है 1972 में। क्षेत्रफल है 1,918 वर्ग किलोमीटर। और साक्षरता दर है 63.58%। जनसंख्या घनत्व है 1,549 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और लिंगानुपात है 895 महिला प्रति 1,000 पुरुष। और यहाँ का प्रमुख फसल गेहूँ, मिर्च, मक्का है। बेगूसराय जिला के बरौनी में बिहार के सबसे बड़े उर्वरक उपक्रम है जिसका स्थापना 1976 में हुआ था। और बरौनी में तेल शोधक कारखाना भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वाहनों पर फास्टैग अनिवार्य करने की तिथि बढ़ाकर कब तक कर दिया गया है? तो दोस्तों, वाहनों पर फास्टैग अनिवार्य करने की तिथि बढ़ाकर कर दिया गया 15 दिसंबर, और पहले यह तिथि था 1 दिसंबर, और 1 दिसंबर से एक्सटेंड करके 15 दिसंबर कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, बिहार की कौन सी महिला भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट बन गई है? दोस्तों, उनका नाम है शिवांगी। बी ऑप्शन सही हो गया। और शिवांगी जो है बिहार के मुजफ्फरपुर जिला के निवासी है। सब लेफ्टिनेंट शिवांगी फिक्स्ड विंग से डोर्नियर सर्विलेंस विमान उड़ाएगी और शिवांगी 2 दिसंबर को कोची नौसेना बेस में शामिल होंगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहां पर 2 दिवसीय इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है? तो 2 दिवसीय इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है बोधगया में। ए ऑप्शन इसका सही हो गया। महिला सशक्तिकरण संघ नागपुर के द्वारा आयोजित किया जा रहा है इस आयोजन को। अब नाम है बोधगया का, तो चलिए इसके बारे में कुछ जानते हैं। तो दोस्तों, बोधगया जो है ये फल्गु नदी के किनारे बसा हुआ है, और फल्गु नदी जो है इसको निरंजना नदी भी कहा जाता है। बोधगया को उर्वेला के नाम से भी जाना जाता है।
500 ईसा पूर्व में बोध गया में वट वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोध गया के महाबोधि मंदिर को 2002 में यूनेस्को के विश्व विरासत में शामिल किया गया था। बोध गया के महान बोधि मंदिर का निर्माण गुप्त काल में हुआ था और बोध गया के महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक का नाम शशांक था और कनिंगम में बोध गया मंदिर को खोजा था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस खिलाड़ी का चयन नेपाल के काठमांडू में होने वाले साउथ एशिया गेम्स के लिए किया गया है? तो साउथ एशिया गेम्स इसका आयोजन किया जाएगा नेपाल के काठमांडू में और इसमें लक्की कुमार का चयन किया गया है जो कि बिहार के हैं। बी ऑप्शन इसका सही हो गया और लक्की कुमार बिहार के हैंडबॉल खिलाड़ी हैं और नवादा जिला के निवासी हैं और साउथ एशिया गेम्स का यह 13वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है जो कि नेपाल के काठमांडू में आयोजित किया जा रहा है और 1 से 10 दिसंबर तक नेपाल के काठमांडू में इसका आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस खिलाड़ी का चयन नेशनल स्केटिंग चैंपियनशिप के लिए किया गया है? तो बिहार के प्रतीक सौरभ का चयन किया गया है नेशनल स्केटिंग चैंपियनशिप के लिए। सी ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑक्टेव 2019 समारोह का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ऑक्टेव 2019 समारोह का आयोजन किया जाएगा पटना में। ई ऑप्शन इसका सही हो गया। अब ऑक्टेव 2019 है क्या? तो ये नॉर्थ ईस्ट के राज्य 8 राज्यों के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और इस आयोजन में नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्य के 300 कलाकार अपने अपने राज्य के सांस्कृतिक कार्यक्रम का प्रदर्शन करेंगे और इसका आयोजन 12 से 14 दिसंबर को किया जाएगा और 9 वर्ष के बाद इसका आयोजन बिहार में किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन से व्यक्ति बिहार सर्किल के चीफ पोस्ट मास्टर बने हैं? तो बिहार सर्किल के चीफ पोस्ट मास्टर बने हैं कौशलेंद्र सिन्हा। बी ऑप्शन इसका सही हो गया और कौशलेंद्र सिन्हा जो थे ये बिहार से पहले उत्तर प्रदेश के चीफ पोस्ट मास्टर थे, अब ये उत्तर प्रदेश से ट्रांसफर होके ये बिहार आ गए हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का करंट अफेयर, चलते हैं कल के रिविजन की तरफ। तो कल के रिविजन का पहला क्वेश्चन था, बिहार के पीरो प्रखंड को श्वेत सिटी बनाने का अभियान शुरू किया गया है जो कि शांति का संदेश देगी, तो यह प्रखंड किस जिला में है? तो पीरो प्रखंड है दोस्तों भोजपुर जिला में। सी ऑप्शन इसका सही हो गया। और दूसरा क्वेश्चन था कल का, किस देश के पर्यटक फ्रांसिस्को गैली पद यात्रा कर बिहार पहुंचे हैं? तो फ्रांसिस्को गैली जो थे ये इटली के थे और ये पैदल यात्रा करके बिहार पहुंचे हैं। ये ऑप्शन इसका सही हो गया। आज का रिवीजन का क्वेश्चन है, किस एयरपोर्ट का नामकरण महाकवि मैथिली कोकिला विद्यापति के नाम पर किया जाएगा? और आज का दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस खिलाड़ी ने नई दिल्ली में आयोजित नेशनल बेंच प्रेस वेट लिफ्टिंग में 57 kg वर्ग में 110 kg का बेंच उठाकर नया रिकॉर्ड बनाया है? तो दोस्तों इस दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कॉमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा या हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। और दोस्तों इस वीडियो का PDF भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं और PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम एप्लीकेशन में सर्च कीजिए हमारा बिहार HB और चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको सारे दिन का PDF मिल जाएगा और सारे वीडियो का आप लिंक भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।